मूसेवाला कतलकांड नूं लैके डीजीपी दा वड्डा बयान आ चुका है सामने, जिथे कि डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि गैंगस्टर गोल्डी बराड़ नूं जल्द ही गिरफ्तार करके लियावांगे पंजाब। डीजीपी ने यह भी कहा कि हुण तक मूसेवाला कतलकांड मामले दे विच हो चुकियां ने 23 गिरफ्तारियां। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला नूं गोलियां मारन वाले 6वें शूटर दीपक मुंडी अते उसदे साथियां कपिल पंडित अते रजिंदर जोकर नूं पिछले दिन गिरफ्तार कर लिया गया है। इस संबंध विच पंजाब दे डीजीपी गौरव यादव दे वल्लों अज इत्थे प्रेस वार्ता कीती गई है, जिथे कि डीजीपी ने वड्डा बयान दिंदा कहा है कि जल्दी ही इस कतलकांड दे मुख सूत्रधार गोल्डी बराड़ नूं गिरफ्तार करके पंजाब लियांदा जाएगा। मीडिया नूं संबोधन करदे हुए डीजीपी पंजाब ने कहा है कि दिल्ली पुलिस दे नाल सांझे ऑपरेशन दे दौरान दीपक मुंडी, रजिंदर अते कपिल नूं नेपाल बॉर्डर तों गिरफ्तार कीता गया है। उन्होंने कहा है कि सारे मुलजम दुबई भजन की फिराक दे विच सन। डीजीपी ने कहा है कि फेक पासपोर्ट के जरिए मुलजम विदेश भजन का प्लान बना रहे सी। डीजीपी ने यह भी दसिया है कि सिद्धू मूसेवाला कतलकांड के हुण तक कुल 23 गिरफ्तारियां हो चुकियां ने अते 35 होरनां नूं मुलजमां दे तौर ते नामजद किया जा चुका है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान खुद इस केस की निगरानी कर रहे हैं अते रिव्यू भी करते हैं। उन्होंने दसिया है कि रजिंदर जोकर गोल्डी बराड़ के संपर्क के विच सी अते उन्होंने कहा है कि पंजाब दे विच गैंगस्टरां दे उपर भी पूरी तरह दे नाल नथ पाई जाएगी। बाकी तुसी इस पूरे दे पूरे मामले दे बारे विच की कहना चाहोगे, कमेंट सैक्शन दे विच जाके अपनी राय सांझी करना बिल्कुल भी ना भुलना। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल बस।